नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही हों। आज हम ये बताने जा रहे हैं कि पिछली वीडियो में हम बताए थे कि RAC और वेटिंग कैसे कंफर्म होती हैं, और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो RAC टिकट कटा के रखा है, कोई वेटिंग टिकट कटा के रखा है, तो उसका जो है SMS कुछ इस तरह से आता है। जैसे कि आप देख लो, इस तरह से आता है SMS। तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो इसी के बारे में आज हम बताने जाने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम वीडियो आपको अपलोड करते ही आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, वो बताने से पहले, जैसे कि मतलब आप अभी देख रहे हो स्क्रीन में, इसका मतलब क्या है बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मान लो, आप जैसे कि लिखा है उधर में P1, S4 और 42, ये सीट नंबर हो गया। P1 और P2, P3 जैसे ही लिखा है अभी ये स्क्रीन में आप देख रहे हो, तो बहुत से आदमी को ये पता नहीं है ये है क्या चीज़। बहुत से मेरे को फ़ोन करते हैं, जब उसकी ट्रेन जो है जो चार्ट प्रिपेड हो जाता है, तो इस तरह से SMS IRCTC जो इस तरह से SMS भेजती है, सीट नंबर और डिब्बा नंबर, तो बोलते हैं ये है क्या, इसको समझ में नहीं आता है वो लोग को, ये क्या है। तो इसका मतलब है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि P1 और P2, P3 लिखा है, तो जैसे कि मतलब मान लो कि आप एक PNR में आप कितने लोग हो, कोई 6 लोग कटाता है कि साथ में टिकट, कोई 3 लोग कटाता है, कोई अकेले ही कटाता है, कोई 2 जने कटाता है टिकट। तो इस तरह ही से वो जो लिखा है P1, P2, P3, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P1 लिखा है तो पैसेंजर 1 हो गया। अभी फिर स्लैश नीचे आएगा तो वो जो लिखा है ये P2 है, तो ये 2 लोगों का टिकट हो गया। जैसे कि P1, P2, P3 जो लिखा है ये 3 लोगों का टिकट है, एक ही PNR में ये तीन लोगों ने कटा के रखा है टिकट। तो इसका मतलब यही है दोस्तों, कि जो P1 लिखा रहता है, P2 लिखा है, P3 लिखा है, और स्लैश में हो तो आपको, आप तो सबको पता ही होता है S4, S3, S5, और बाद में सीट नंबर थप जाता है, वो तो सबको पता ही रहता है, लेकिन इसका ये नहीं जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। P1, P2, P3, P4 जैसा लिखा रहेगा, वो जो आप एक PNR में हो, कितने आदमी हो आप, एक जब टिकट लेने गए थे आप, को कितने आदमी का टिकट कटाए हो, वैसे ही ये आया है कि P1, P2, P3। तो मान लो आप ए PNR में है, आपका 3 लोगों का टिकट कटा हुआ है, तभी वो आया है कि P1, P2, P3। आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होगे। अगर नहीं समझ पाए हो तो व्हाट्सएप में हमसे चैट कर सकते हो, और टिकट चाहिए तो हमसे परचेस कर सकते हो आप टिकट। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।